आज हम बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो ZLX की कीमत के बारे में। आपको बता दें कि बोलेरो अब पहले से महंगी हो चुकी है। जुलाई 2019 के बाद से आने वाले बोलेरो की कीमत में आपको थोड़ी सी बदलाव या फिर बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। इसके क्या कारण है आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आइए हम जानते हैं कि इस बढ़ी वाली कीमत के साथ बोलेरो की आपको EMI और लोन कीमत क्या पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलेरो महंगी हो चुकी है, तो बढ़ी हुई कीमत के साथ बोलेरो ZLX की आपको कीमत क्या पड़ेगी, EMI क्या पड़ेगी, आइए आपको बता दें। अगर आप लेते हैं बोलेरो ZLX, इसकी आपको पड़ेगी 100 रुपये प्राइस डेली के एरिया में 10,05,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी बोलेरो ZLX की 11,10,000 रुपये। अगर आप लेते हैं ZLX को लोन पे करते हैं आप 2,10,000 रुपये की डाउन पेमेंट, तो आपको लोन अमाउंट करवाना पड़ेगा 9,00,000 रुपये का। अगर फाइनेंस कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 9.5%, तो आपकी हर महीने की EMI निकल कर आएगी 18,902 रुपये और आपको ये EMI 5 साल तक भरनी पड़ेगी। दोस्तों बता दें कि ऐसा ऐसी कीमत में क्यों बदलाव हुआ है। सबसे पहली बात, जुलाई के बाद से जितनी भी बोलेरो की मॉडल आ रही है सभी में आपको सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको ABS मिल जाता है, साथ ही आपको ड्राइवर एयरबैग्स की सुविधा मिल जाती है, आपको मिलती है पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट अलर्ट, आपको इस तरह की फीचर आपको कंपलसरी देखने को मिलती है। इसी कारण से बोलेरो की कीमत थोड़ी बढ़ चुकी है। अगर आप जाते हैं शोरूम में, अगर आपको मिलती है जुलाई से पहले वाली जो गाड़ी आ चुकी है शोरूम में, उसकी कीमत आपको यहाँ पर आपको पड़ जाएगी लगभग 11,00,000 रुपये के ही आसपास। लेकिन अगर आपको जो मॉडल मिल रही है अगर वो जुलाई के बाद की है तो कीमत आपको थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। ये थी दोस्तों बोलेरो की कीमत में कुछ बदलाव। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और अपने पसंद की गाड़ी की कीमत और उसकी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।